हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा मैडास लाइफ। इस चैनल पे आज हम बनाने वाले हैं एक और स्नैकर जो हमें बहुत ही काम में आने वाला है। इसमें मैं अपनी बेटी के कपड़े रखने वाली हूँ। ये एक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर है जिसमें हमारे कपड़े बिल्कुल भी मैशी नहीं होने वाले हैं और ईजिली हम उन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी भी बाहर की किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते रहते हैं, फिर जो कार्डबोर्ड्स हमारे पास में इकट्ठे होते रहते हैं, कार्टन्स जो इकट्ठे होते रहते हैं, हम आज उन्हीं के साथ में कुछ DIY करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, साथ ही ये हमारे वार्डरोब को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम इस कार्टन से बनाने वाले हैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइजर।
फोल्ड करना है। ये एक्स्ट्रा होने का रखने का रीज़न यही है जिससे कि हमारे जो साइड्स हैं वो बहुत ही नीट आएंगे। इसमें भी हम वही ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, कॉर्नर्स को कट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इन ऑर्गेनाइज़र को अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी मनी स्पेंड करनी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन जब हम इसे घर पे बना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही चीप है, ये बहुत ही सस्ता है क्योंकि इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ खर्च नहीं किया। कार्टन हमारे पास रखे थे और ये पेपर मुश्किल से 10 रुपये का एक शीट आती है और एक में सिर्फ 2 शीट लगी हैं, तो हमारे लिए ओनली 20 रुपीज़ में हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। अब ये देखिए, मैं इसमें जो इसकी विंडो बनी थी उसको भी मैंने कट कर लिया है यू शेप में ही। अब उसके भी कॉर्नर्स में कट लगा करके मैं उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ऐसे ही ऊपर का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो साइड में ना निकले का पेपर, इसके लिए मैंने उस पर ट्राइंगल की शेप में स्लाइड करते हुए कट करके
बिल्कुल नीटली सब कुछ अरेंज रहता है, हर टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे शर्ट्स के लिए अलग, पैंट्स के लिए अलग, हम ऑर्गेनाइज़र बना करके इनमें रख सकते हैं। आप अगर इनमें ज़्यादा भी कपड़े रखते हैं तो भी वो गिरते नहीं हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आप इन्हें इजीली निकाल सकते हैं।